हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये जो रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर रखे हैं महाराष्ट्र के फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसके बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से देख लेना, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से आंसर करना है आपको फ्यूरोसिमाइड है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है, एसिटाजोलामाइड है, या लिथियम है। कौन सा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर? तो एसिटाजोलामाइड होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, एसिटाजोलामाइड जो है ये क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर है। सिंपल डायूरेटिक के क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ। तो इरिथ्रोमाइसिन है ये कैसे काम करता है आपने बताना है। ऑप्शन देखिए, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मेटाबोलाइट्स। तो ये इरिथ्रोमाइसिन जो है ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इरिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है। इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, ये सब ड्रग्स आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी स्टैंड्स फॉर। तो ए बी सी होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, सिंपल है 98.6 जो है, ऑप्शन डी राइट कर देंगे इसका, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्ट्रोक मीन्स, तो क्लोजिंग स्ट्रोक का मतलब होता है अनसोल्ड स्ट्रोक, ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुगर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन। तो सुक्रोज जो होता है डाइसैकेराइड्स में आता है, तो इसके डाइजेशन से मतलब कि ये दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर बना होता है, तो आपने उनका नाम बताना है कौन कौन से हैं। एक तो फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। ओके, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, और भी जो है जो आपको देखने हैं कौन से डाइसैकेराइड्स में आते हैं, कौन से मोनोसैकेराइड्स में, ये सारे आपको एग्जाम्पल्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विटामिन B2 इज कॉम्पोनेंट ऑफ। तो विटामिन B2 जिसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं विटामिन B2 को, इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, ऑप्शन बी हो जाएगा, FAD हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विटामिन के डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द डिसऑर्डर। तो विटामिन के जो है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, देखिए विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, इनके तो इनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इसलिए जो विटामिन के है क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो इससे डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो आपको पता ही है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी राइट कर देंगे। नेक्स्ट ग्लाइकोजेनेसिस द सिंथेसिस ऑफ। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, तो ग्लाइकोजेनेसिस किसकी सिंथेसिस है? ग्लाइकोजन की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को क्या बोल देंगे आप, ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पायोरिया डिजीज इज रिलेटेड विद, तो ये टीथ हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टीथ से रिलेटेड डिजीज को बोलते हैं पायोरिया। नेक्स्ट है आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज। ठीक है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ऑप्शन बी डी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी है ये। ओके, तो देखिए और एक डीएनए से डीएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना क्या बोलते हैं इसको। नेक्स्ट गैलिक एसिड इज यूज एज, तो क्या होता है ये? सिंपल है, एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, तो 1948 आपने याद रखना है, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और जो एक क्वेश्चन देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन, देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। फार्मेसी एक्ट तो पास हुआ था 1948 में, लेकिन जो PCI है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये क्रिएट हुई थी 1949 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना इन दोनों क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरेशन PCI का कितना होगा? 5 ईयर्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में कौन सा नहीं आता? देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होते हैं PCI के मेंबर्स में, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया भी होता है, और डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ये भी है, तो आपको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें नोट पूछा कौन सा नहीं है एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में, तो आपने ऑप्शन जो डी राइट करना है। नेक्स्ट शेड्यूल एस इज रिलेटेड विद, एस में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल्स का मैंने आपको वीडियो बना रखा है, देख लेना आप, उसमें सारा आपको अच्छे से
ट्रिक के थ्रू भी याद कराया हुआ है, शेड्यूल आपको वहाँ से याद हो जाएंगे। ओके, और ज्यूरिसप्रूडेंस का भी एमसीक्यू का वीडियो है, वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट है मिस ब्रांडेड ड्रग्स मीन्स, तो मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती है? ड्रग नॉट लेबल्ड प्रॉपरली, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड। ओके, नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 1954 में पास हुआ था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है, इनके ईयर्स जो है वो भी आपने सारे याद रिवाइज से करने हैं, ठीक है। तो इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना आप। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1971, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज इनएक्टेड इन, तो 1940 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर इन 300 बेड हॉस्पिटल, तो कितने होते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है विच फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बाय कोएंजाइम पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, PLP होता है, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट जो है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है? तो ये होता है अमीनो ग्रुप के लिए होता है। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीनो। नेक्स्ट है एम्बुलेटरी पेशेंट्स मीन्स, जो आउट पेशेंट्स जो होते हैं ना उनको एम्बुलेटरी पेशेंट्स बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंज ऑफ वार्म टेम्परेचर इज फ्रॉम, तो वार्म टेम्परेचर होता है ऑप्शन सी, 30°C to 40°C। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 120/80 mmHg। नेक्स्ट फिनोफ्थलीन शोज कलर चेंज एट विच pH, तो फिनोफ्थलीन जो है इस ये जो कलर चेंज करता है किस pH पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 to 10 pH। ओके, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो सभी को पता है विटामिन डी सनलाइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, विटामिन डी जो है स्टीरोइडल विटामिन भी बोलते हैं इसको, स्टीरोइडल हार्मोन भी बोलते हैं इसको, और इसमें स्टीरोइडल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपका जो महाराष्ट्र का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो 28 फरवरी को हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज, तो इनको सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम्स को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं। ओके, पावर हाउस ऑफ सेल हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन फैक्ट्री आप बताइए मुझे किसको बोलते हैं, कमेंट में बताना प्रोटीन फैक्ट्री है किसको बोलते हैं ये। नेक्स्ट है एंड्रोग्राफोलिड इज द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो ये कालमेक जो है इसमें प्रेजेंट होता है, एंड्रोग्राफोलिड जो होता है प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कालमेक का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज SSRI यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट, तो इनमें से कौन सा SSRI जो एंटी डिप्रेसेंट है? देखिए सारे ही एग्जाम्पल आपको SSRIs के दिए हुए हैं। SSRIs मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, तो इसमें ये फ्लोक्सिटीन, फ्लोक्सामीन, सर्ट्रालीन, सिटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम और एक और होती है पैरोक्सिटीन, ये सब ड्रग्स आती है, ठीक है ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट है इंसुलिन इज, तो इंसुलिन पता ही आपको हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो पिलोकार्पिन का सोर्स पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस। ओके, नेक्स्ट है ड्रग नैलोक्सोन, तो नैलोक्सोन क्या करती है? ऑप्शन डी देखिए, प्रेसिपिटेट सिम्टम्स इन मॉर्फिन एडिक्ट्स, ठीक है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द इंडिकेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी, तो ये एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा, फ्लो प्रॉपर्टी के लिए क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट रिफामपिसिन क्या करती है? इनहिबिट करती है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, इनमें से कौन सा जिसको आप लाफिंग गैस बोलते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। ओके, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो फार्म एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।